ऊर्जा निगम की मनमानी के खिलाफ अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, चकराता एवं सहिया क्षेत्र में ऊर्जा निगम के अधिकारियों द्वारा जनता को अनाप शनाप हजारों रुपए के बिल थोप रहे हैं। ये है कि हमारा बिल ज़्यादा है, 20-22 हज़ार रुपये का बिल भेजा है, इसलिए हमें पहले चौड़ता गए, वहाँ से पूछ के फिर यहाँ विकास में रहे, क्योंकि एक महीने का बिल है तो वो भी कम से कम 12-14 हज़ार से नीचे का नहीं आ रहा। अधिकारियों की मनमानी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जिला महामंत्री संजय तोमर के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड विकास नगर को ज्ञापन प्रेषित कर उनका घेराव किया गया। बताते चले कि उत्तराखंड सरकार कितनी ही दावा कर ले कि वह गरीबों की हितैषी सरकार है, मगर जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। सरकार की नौकरशाही ये भूल ही चुकी है कि उसको जनता की सेवा के लिए चुना गया है, ना कि परेशान करने के लिए। मामला जनजातीय क्षेत्र जौनसार के सहिया का है, जहां की विद्युत विभाग के हजारों रुपए के बिजली बिल ग्रामीणों को थमा दिए गए हैं। अब ये ग्रामीण बिलों को ठीक कराने के लिए कभी चकराता तो कभी विकास नगर के धक्के खाने को मजबूर है। सवाल ये भी उठता है कि जब विद्युत विभाग द्वारा हर महीने बिजली के बिल दिए जाते हैं तो फिर इन ग्रामीणों के बिल हजारों में कैसे आ रहे हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वे समय पर अपने बिजली के बिल जमा करते रहते हैं। अधिकारी कभी भी गांव में मीटर रीडिंग देखने नहीं आते, अधिकारी अपने दफ्तर में ही बैठकर हजारों के बिल उपभोक्ताओं को भेज रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ विनोद कुमार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। बताना चाहूंगा कि जो आपका विद्युत विभाग है, उपखंड जो वितरण खंड है विकास नगर द्वारा, हमारे जौनसार क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, जो जनमानस हैं, उनको यहाँ के द्वारा अनावश्यक रूप से, अनियमित रूप से यहाँ से बिल चस्पा किया जाता है, जो कि उनके नैतिक अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। और जो हमारे जौनसार बाबर का जो व्यक्ति है, जो निर्भरता, जो उसका जीवन है, वो खेतीबाड़ी और कहीं ना कहीं बागवानी पर निर्भर करता है, लेकिन इस प्रकार के जो अनावश्यक रूप से जो बिल हमारे क्षेत्र के लोगों को दिए जा रहे हैं बिजली विभाग द्वारा, वो बिल्कुल निराधार हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि इतने साल और इतना समय होने के बाद भी इस प्रकार के बिल उन पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं। तो आज संबंध में हमने अधिशासी अभियंता, जो आपका वितरण उपखंड, आपका विकास नगर, उन सबने वार्ता करी है कि इसके संबंध में शीघ्र जो है आवश्यक कार्रवाई की जाए, और जो भी जो मीटर रीडर आपके जो क्षेत्र में मौके पर नहीं पहुंचते, आप उनसे संपर्क करें कि भाई किस प्रकार से इतना बिल लोगों को आ रहा है, और उचित रूप से जल्दी इसका समाधान करने की कृपा करें। कि जो बिल है, जो हमें जो सूचनार्थ है, वो किसी का 50,000 है, किसी का 30,000 है, किसी किसी का लाख रुपए भी है। और जो क्षेत्र का व्यक्ति है, उक्त जो व्यक्ति है, वो हर महीने जो यहाँ से संभावित बिल जो भेजा जाता है उनको, उस बिल को वो देय राशि बिल्कुल वर्तमान समय में लगातार दे रहा है। लेकिन इस प्रकार के जो बड़े जो बजट बनाकर जो ये विभाग जो उनको पैसा दे रहा है, जो बिल बनाकर दे रहा है, वो लोग इस बिल को देने के लिए बिल्कुल असमर्थ है। हमने अधिकारी से बात करी, उनसे बोला है कि भाई इस संबंध में आप आवश्यक कार्रवाई करें। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संबंध में जानकारी और देना चाहूंगा, सरकार ने अभी जो हमारे जो इसमें जो बिल आने थे, जो विद्युत विभाग वाले जो बिल जो जा रहे थे, और जिन लोगों का अतिरिक्त ब्याज इस पर पड़ रहा था, जो ब्याज जा रहा था, जो समय अवधि के साथ साथ अपना बिल जमा नहीं कर पाए थे, उस ब्याज ऋण को सरकार ने माफ कर दिया लोगों के लिए। इस संबंध में सरकार और शासन अपना कार्य कर रहा है, बाकी युवा मोर्चा जिला देहरादून ने व्यक्तिगत भाव से अपने इस संबंध को उठाने के लिए अधिकारी से बात करी। वो मेरे पास भी फोन आए थे, लेकिन कुछ इनसे भी इन्हीं से पता लगा कुछ बिलों में कुछ खराबी है, तो मैं साहब को मैंने भेज दिया है। अब उसमें जाँच करके देख करके तभी पता लगा क्या परेशानी है। ऐसे कहना मेरे भी लिए सही नहीं है कि क्या गलती है उसमें, क्या नहीं है, तो इसलिए जो है उसको जांच करके तभी पता लगेगा। क्योंकि इनसे मैंने पूछा किसी का है नहीं उसमें, जो मेरे पास आए हैं, मैं किसी का बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये सर समझ मानसिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दो फोन मेरे पास भी आए हैं, मैंने उनको समझाया मेरे पास या तो बिल का कनेक्शन नंबर भेज दो, और या मैंने आज जो भी है वो प्रत्येक गांव में जाएंगे, वहां जिसकी प्रॉब्लम है वो पूरा देख करके एक्चुअल रीडिंग लेकर के जो भी समस्या वो लेकर मुझे बताएंगे, और उसकी समस्या का समाधान होगा बिल्कुल 100%।